तो साथियों, हम लोग देख रहे थे जीएस वर्ल्ड की एक बहुत ही बेहतरीन पांचवी टेस्ट सीरीज जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024। उसी के लिए हमने जीएस वर्ल्ड की यह पांचवी टेस्ट सीरीज लाया था। और ये पांचवी टेस्ट सीरीज इसलिए बहुत ज़्यादा खास है साथियों कि इसमें जितने के जितने प्रश्न हैं सभी के सभी जियोग्राफी और यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न हैं। मैंने पहले बताया था इसमें 150 प्रश्न हैं और 150 प्रश्नों में हमने पहले पार्ट में इसको 75 क्वेश्चन देख लिया था। और बाकी के जो 75 क्वेश्चन हैं हम लोग इस वीडियो के सेकंड पार्ट में देखेंगे। अगर आप लोग वीडियो का पार्ट वन नहीं देखे हैं इसका, तो जाकर आप लोग वीडियो का इसका पार्ट वन ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत बेहतरीन है साथियों। आप लोग जब इस 150 प्रश्नों को सॉल्व करोगे ना, जो शुद्ध रूप से जियोग्राफी और उत्तर प्रदेश की जियोग्राफी से संबंधित हैं, तो आपको एक चीज़ का आभास हो जाएगा कि आपको पता लग जाएगा कि जियोग्राफी से प्रश्न बनते कैसे हैं, किस टॉपिक से बनते हैं, किस लेवल का बनते हैं। तो ये सब चीज़ों आपको पता हो जाएगा। आप इसके साथ ही साथ बहुत सारा यहाँ पर फैक्ट सीखेंगे, बहुत सारा कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जो आपको नए प्रश्न मिलेंगे उनको सॉल्व करने में आपको बहुत बड़ी मददगार साबित होगा। तो साथियों, चलें हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 से शुरू करते हैं। 75 तक देख लिए थे, बहुत बढ़िया साथियों। अगर आपको हमारा ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए, आपके लिए ज़रा सा भी लाभान्वित सिद्ध हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलें हम लोग, तो साथियों ये है क्वेश्चन नंबर 76। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी की सहायक नदी है। तो ये चार विकल्प दिए गए हैं, इन विकल्पों में से कौन सी कावेरी की सहायक नदी नहीं है उसे पकड़ना है। तो काबिनी भी कावेरी की सहायक नदी है, भवानी भी कावेरी की सहायक नदी है, अमरावती भी कावेरी की सहायक नदी है। यहाँ जो घाट प्रभा है साथियों, ये कावेरी की सहायक नदी नहीं है, यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा, घाट प्रभा कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों, ऐसे ही प्रश्न हमको मिलते रहेंगे। आगे देखें 77 में क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध हिल स्टेशन क्षेत्र कोडाइकनाल। तो आपको बता दें तमिलनाडु में एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जिसका नाम कोडाइकनाल है। तो कह रहा है यह कोडाइकनाल किस पहाड़ी में स्थित है। तो आपको बता दें साथियों, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, पालनी की पहाड़ी में स्थित है कोडाइकनाल। तो यह ऑप्शन नंबर इसका उत्तर ये होगा। और आपको यहीं पालनी की पहाड़ी में एक बहुत बढ़िया आपको फैक्ट मिलता है, प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर एक कुरुंजी का फूल पाया जाता है, कुरुंजी, जो 12 वर्ष पर फूल उसमें आता है। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है, एक बार 12 वर्ष में केवल एक बार इसमें फूल आता है। तो यह पाया जाता है यही पालनी की पहाड़ियों पर ही। तो ऑप्शन नंबर ए कोडाइकनाल पालनी की पहाड़ियों पर है। बहुत बढ़िया साथियों, आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं 78 में क्या कह रहा है। 78 इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मानसून के निवर्तन के लिए उत्तरदायी है। निवर्तन का मतलब इंग्लिश में इसे रिट्रेट कहते हैं, इसका मतलब ये होता है मानसून का पीछे हट जाना। हम लोगों को मालूम है कि हम लोगों के उत्तर भारत में सितंबर अक्टूबर में मानसून पीछे हटने लगता है। तो वही कह रहा है कौन कौन सा इसके कारक हैं मानसून के निवर्तन के लिए। तो पहला कथन दिया है निम्न वायुदाब की द्रोणी का दक्षिण की ओर खिसकाव। तो ये बात सही है, दक्षिण की ओर खिसकाव होती है निम्न वायुदाब की जो द्रोणी होती है। और ये कह रहा है दूसरा वाला, जेट स्ट्रीम का पुनः अपने स्थान पर लौट जाना, यस ये भी बात सही है। संपूर्ण भारत में तापमान का कम हो जाना, यस ये भी बात सही है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में तापमान कम होने लगता है। तो यहाँ पर तीन के तीनों प्रश्न जो है कथन इसके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं हम लोग 79। इसमें क्या कह रहा है, 79 में आपसे पूछ रहा है कि पोचमपाद परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। साथियों, पोचमपाद परियोजना का एक और नाम है, इसे श्री राम सागर परियोजना, इसका एक और नाम है श्री राम सागर परियोजना, तो याद रखिएगा इसका एक दूसरा नाम है। तो पूछ रहा है पोचमपाद परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। तो यहाँ चार नदियों के नाम दिया गया है, इन्हीं नदियों में से बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए गोदावरी नदी पर स्थित है पोचमपाद परियोजना। गोदावरी नदी की मालूम है आपको,
ये बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानी जाती है गोदावरी नदी, और दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो ये सब गोदावरी नदी के बारे में कुछ फैक्ट थे जो मैंने आपको बताया। आगे हम लोग चलते हैं, 79 हो गया, 80 क्वेश्चन नंबर 80 है, 80 पे क्या कह रहा है देखें। बहुत बढ़िया, ये देखिए थोड़ा सा कंसेप्चुअल प्रश्न है, थोड़ा धैर्य रखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखेंगे, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित पहाड़ियों में से उत्तर से दक्षिण की ओर, ये आपको नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ का नाम दिया है, इन पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण की ओर हमें सेट करना है कि कौन सा सेट इसका सही है। तो डफला पहाड़ियाँ साथियों, ये अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी ओर हैं, पश्चिम साइड में अरुणाचल प्रदेश के, और ये मिकिर पहाड़ियाँ हैं, यही असम में है, बराइकल भी असम में है, और लैमा तोमा ये जो है मणिपुर में है। तो ये सबसे लास्ट में होगा, यानी उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ, तो ये सबसे साउथ में होगा चौथा वाला, तो चौथा वाला जहाँ सबसे अंत में हो वही लगा दीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही सेट बन रहा है। तो यही होगा हमारा, सबसे पहले सबसे उत्तर में डफला, उसके बाद ये, फिर बराइकल, फिर लैमा तोल पहाड़ियाँ। बहुत बढ़िया साथियों, आगे चले हम लोग, देखते हैं 81 में। 81 प्रश्न देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एक तरफ आपको कुछ तिथि दिया है, दूसरी तरफ उसका दिवस भी दिया है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मिसमैच है, उसी को हमें बताना है। तो हम सबको मालूम है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ये बात तो सही है, लेकिन हमें गलत बताना है 22 जुलाई विश्व जल दिवस, नहीं मेरे भाई यही गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है, 22 जुलाई को नहीं, 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो ये गलत हो गया। अब आप लोग जानते हैं 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाया जाता है, ये सब सही है, ऑप्शन बी गलत था। 82 में चलते हैं हम लोग, 82 में साथियों कह रहा है कि आपको यहाँ कुछ नाम दिया गया अपवातंत्र का, उसके बारे में यहाँ सूचनाएं दी गई हैं आपको, सूचनाओं को पढ़कर आपको इसे बताना है, आपको डरना नहीं है, ढेर सारा लिखा है तो बच्चे डर जाते हैं, बच्चों को मेंटली डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ऐसे सस्ते क्वेश्चन डाले जाते हैं जो बहुत सरल होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ पढ़ने की कलाकारी, आप पढ़ेंगे दे जान जाएंगे। देखिए क्या है, इस अपवाह तंत्र में नदियां एक स्थान से निकलकर सभी दिशाओं में साइकिल के पहिए की तीलियों की तरह बहती हैं, प्रायः किसी गुंबदाकार क्षेत्र के शीर्ष स्थल से निकलने वाली नदियां इस अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। तो निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र को यह संदर्भित, यानी किसको, किस अपवाह तंत्र को यह बताता है, तो मेरे भाई यह अरी अपवाह तंत्र को बता रहा है, ऑप्शन नंबर डी। अरी अपवाह तंत्र क्या होता है, मान लीजिए ये ऐसे होता है, इसे गुंबद टाइप का थोड़ा, यहाँ से नदियाँ निकलती हैं यहीं से, और अपने चारों दिशाओं में साइकिल के तीली के पहियों की तरह जो है बिखर जाती हैं, और ऐसे ऐसे बिखर जाती हैं चारों ओर, तो यही होता है अरी अपवाह तंत्र। तो और समांतर अपवाह तंत्र के बारे में जानते हैं, ये क्या होता है कि जैसे कोई मुख्य नदी जा रही है, तो कोई नदी निकली पहले इसके साथ कुछ दूर तक, इसके साथ ही जाती है समांतर, फिर इससे मिलती है, फिर कोई नदी निकली तो इसके दूर समांतर इसके कुछ दूर तक गई, फिर इससे मिल गई, तो फिर कोई नदी निकली ऐसे मानी उसके समानांतर जाकर तब उससे मिलती है, तो इसे समांतर अपवाह तंत्र कहते हैं। द्रुमाकृति एक अपवाह तंत्र आपको मिलता है, ये द्रुमाकृति अपवाह तंत्र क्या है साथियों, ये पेड़ की होता है, जैसे कोई आपको यहाँ थोड़ा मिटा कर बताए दें, थोड़ा सा सूचनाएं हम अच्छा ज़्यादा दे देंगे तो आपको काम आएगा, ये पेड़ की तरह होता है, जैसे कोई मुख्य नदी है तो यह एक पेड़ की तरह बन जाती, कोई नदी आकर मिली ये इससे मिली, ये इससे मिली, ये इससे मिली, फिर कोई नदी आकर इससे मिली सहायक, ये इसकी सहायक, ये इसकी सहायक, तो ऐसे ऐसे एक पेड़ की तरह बन जाती है, तो इसे द्रुमाकृति अपवाह तंत्र कहते हैं। और समानांतर भी आप लोग जान लिए, जालीनुमा भी जान लिए, तो ये अरी अपवाह तंत्र तो बता ही दिया, साइकिल के पहियों की तीली की तरह, ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। आगे हम लोग बढ़ें 83 में साथियों, इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो यूक्रेन साथियों आपको मालूम है रूस तो रहेगा ही, तो रूस से ही निकला हुआ है कि यूक्रेन है, तो यहाँ पर कुछ नाम दिया है, कौन सा यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो ये हमें बताना है जो नहीं करता हो। तो मालडोवा भी करता है, पोलैंड, हंगरी, सर्बिया नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी
ये सार्बिया जो है यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो यूक्रेन के साथ जो सीमा साझा करते हैं साथियों, वो सात देश करते हैं। उन सातों देशों का नाम याद रख लीजिएगा, पोलैंड, स्लावस्किया, हंगरी, रोमानिया, मालडोवा, बेलारूस, रूस। तो ये सात होते हैं, तो रूस तो रहेगा, ये रूस से ही निकला है। तो सार्बिया नहीं है, यूक्रेन के साथ सीमा साझा नहीं करता। आगे देखें हम लोग 84 में, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह युग्म सूर्य की परिक्रमा अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम करते हैं। यानी वो दो जोड़ों का नाम बताना है, दो ग्रह के एक जोड़ा, एक जोड़े में दो होते हैं, तो उन युग्म को बताना है, ग्रहों के युग्म को जो सूर्य की परिक्रमा अन्य ग्रहों से उल्टा करते हैं। तो आपको मालूम है साथियों, हमारे यहाँ 8 ग्रह हैं कुल, तो 8 ग्रहों में ये शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जो अन्य ग्रहों की तुलना में उल्टा चलते हैं। यानी ये ईस्ट टू वेस्ट पूरब से पश्चिम चलते हैं, और बाकी जितने 8-6 ग्रह हैं वो वेस्ट टू ईस्ट चलते हैं। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, शुक्र एवं वरुण अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में चलते हैं, यानी ईस्ट टू वेस्ट। आगे चलें हम लोग 85 में, देख लेते हैं क्या है 85 में। साथियों बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पर है, देखें, कंसेप्चुअल टाइप का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन प्रतिचक्रवात की विशेषताएं हैं? प्रतिचक्रवात आप लोग जानते हैं साथियों, प्रतिचक्रवात मतलब ये चक्रवात का उल्टा होता है, तो ये चक्रवात का उल्टा होता है प्रतिचक्रवात। तो इसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है, तो नहीं मेरे भाई, केंद्र में जब निम्न वायुदाब हो, ऐसे होता है ना, लो प्रेशर जब केंद्र में होता है तो वो चक्रवात का होता है। प्रति चक्रवात इसका उल्टा होता है, तो इसका मतलब इसके केंद्र में हाई प्रेशर होगा, HP। तो पहला तो गलत हो गया, तो जिसमें पहला होगा काट दीजिए, इसमें पहला है, ये नहीं होंगे, तो बी हो सकता है या तो डी हो सकता है, इन्हीं में से कोई है। मार्ग एवं दिशा अनिश्चित होती है, यस मेरे भाई ये तो सही है। तापमान वायु राशियों के स्वभाव तथा आर्द्रता पर निर्भर करती है, इसका तापमान और वायु राशियों के स्वभाव आर्द्रता पर भी निर्भर करती है, ये भी सही है। चक्रवातों की अपेक्षा अधिक विस्तृत, तो यस मेरे भाई जो प्रति चक्रवात हैं वो चक्रवात की तुलना में ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, ज़्यादा विस्तृत होते हैं, तो ये भी सही है। तो यानी यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा 85 वाले का, तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, ये 2, 3, 4, बहुत बढ़िया। आगे चलें 86 में, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित हैं? सही सुमेलित जो हैं उसी को बताना है। तो मेरे भाई पहला आप एक तरफ डेल्टा दिया है, दूसरी तरफ प्रकार उसका स्वरूप दिया है। नील नदी का डेल्टा जो होता है वो चापाकार होता है, चापाकार आपको मालूम है, जैसे कोई नदी बह रही है बहुत तेज़ी से, अपने यहाँ जो मलबा ली हुई है, तो वो मलबा जब जाके समुद्र में अपना जल छोड़ने वाली है, तो यहाँ पर जो है जो इसका मलबा है वो कुछ इस टाइप का इकट्ठा हो जाता है, आर्क टाइप का, आप लोग चाप पढ़े हैं ना मैथ में, तो वो जो होता है ऐसे गोला प्रकार से ऐसे करते हैं वो, तो ऐसे चापाकार टाइप का ये डेल्टा बन जाता है, तो वही जो है नील नदी के द्वारा बनाया जाता है, तो ये तो सही है। मिसिसिपी नदी का डेल्टा पंजाकार होता है, हाथ के पंजाकार, और गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी चापाकार होता है, तो जो अर्नदमुखी नहीं होता है, तो ये तीन जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा, तो ये गलत, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा जो 86 वाला होना चाहिए वो ए होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ये एक और दो केवल सही हैं। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 87, बहुत बेहतरीन प्रश्न, कंसेप्चुअल टाइप का है, आपको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ कुछ नहीं है, बस कह रहा है एक हमने कथन दिया है, दूसरा कारण दिया है, इन्हीं को पढ़कर आप सही उत्तर दे दीजिए, सही उत्तर। तो आप लोग जब कथन को पढ़ोगे तो कह रहा है पृथ्वी पर सूर्य के आकर्षण बल का प्रभाव चंद्रमा की अपेक्षा अधिक होता है, तो मेरे भाई यह गलत है, क्योंकि सूर्य का आकर्षण बल अधिक तो होता है लेकिन पृथ्वी पर उसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि वह हमसे पृथ्वी से बहुत दूर है, तो चंद्रमा का आकर्षण बल कम होता है लेकिन वो पृथ्वी से नज़दीक है इसलिए उसका ज़्यादा हो जाए। जैसे आप यहाँ पर हो, एक माफिया, आप जैसे यूपी में हो, एक बहुत बड़ा माफिया मुंबई में है, बहुत बड़ा, और बगल में ही आपके एक छोटा मोटा माफिया है, तो
तो बड़ा माफिया आपके दूर है, आपको उससे उतना डर नहीं लगेगा, लेकिन छोटा मोटा माफिया इसके पास शक्ति कम है, लेकिन फिर भी आप इसका प्रभाव आप पर ज़्यादा रहेगा। तो इसीलिए तो ये आकर्षण बल तो ज़्यादा होता है लेकिन पृथ्वी पर इसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है, तो ये गलत हो गया। कारण सूर्य का आकर्षण बल चंद्रमा का अपेक्षा बहुत अधिक है। हाँ अधिक तो है लेकिन पृथ्वी पर उसका प्रभाव कम है दूर होने के कारण। तो यहाँ पर क्या होगा, केवल आर सही है, ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। आगे चले हम लोग 88 में। देखिए 88 में कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक मिनट, आप सही है, भूमध्य सागरी जलवायु के संदर्भ में कथन दिया है और उन्हीं कथनों में से पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो यह महाद्वीपों के पूर्वी समुद्र तटीय प्रदेशों में विस्तृत है। मेरे भाई आप कोपेन की जलवायु जो पद्धति कोपेन ने दिया था उसको पढ़ोगे तो भूमध्य सागरी जलवायु जो है महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर हैं, पूर्वी तट पर नहीं, तो ये गलत हो गया। इस क्षेत्र में शीतकाल में चक्रवाती निम्न वायुदाब कटिबंध के प्रभाव में आ जाते हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न जो हमारा है साथियों, ये वाला सही है, दूसरा कथन, तो ऑप्शन नंबर बी केवल हमारा सत्य होगा। आगे बढ़े हम लोग 89 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा है। तो ठंडी जलधारा साथियों आप, ये फ्लोरिडा तो नहीं है ठंडी, ये भी गर्म है, गिनी भी गर्म है, गल्फस्ट्रीम भी धारा गर्म है, ये ऑप्शन नंबर सी कनारी धारा, ये जो है ये एक ठंडी धारा है कनारी धारा, तो जो उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे ये होती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा, ठंडी जल धारा। 90 में देखते हैं इसमें क्या है, 90 में देखिए क्या पूछा जा रहा है। सार्गेसो सागर आपको पहले ही बता दिया, अटलांटिक महासागर का भाग है। तो निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए सार्गेसो सागर के बारे में। यह पछुआ तथा व्यापारिक पवनों के संक्रमण मंडल में स्थित है। तो यह पछुआ तथा व्यापारिक पवनों के संक्रमण मंडल पर स्थित है, तो ये गलत है साथियों। 90 वाला ये इसका पहला कथन गलत है, क्योंकि साथियों अटलांटिक महासागर का हिस्सा मैंने पहले ही बताया इसके बारे में। और ये क्या है, यहाँ दूसरा अटलांटिक महासागर के न्यूनतम लवणता पाई जाती है, तो अटलांटिक महासागर में यहाँ न्यूनतम लवणता पाई जाती है, तो यहाँ पर जो है ये दूसरा वाला कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सत्य हो जाएगा 90 का। तो केवल दो यहाँ पर सत्य है, ये गलत है। आगे बढ़े हम लोग 91, इसमें कह रहा है चिम्बा राजो ज्वालामुखी, कि कौन सा ज्वालामुखी, चिम्बा राजो ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है। तो चिम्बा राजो ज्वालामुखी साथियों आप लोग देखोगे नॉर्थ अमेरिका का, जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका का ये जो पश्चिमी तट है यही इक्वाडोर है, यहाँ से जो है ये विषुवत रेखा भी गुजरती है, तो यही जो है इक्वाडोर होता है, यही चिम्बा राजो ज्वालामुखी पाई जाती है, तो जो सक्रिय ज्वालामुखी है चिम्बा राजो सक्रिय ज्वालामुखी। आगे चले हम लोग 92 में, देखें मैचिंग वाला सवाल है, बहुत बढ़िया मैचिंग वाला सवाल, गलत नहीं होने चाहिए। एक तरफ पर्वत श्रेणी दिया है, दूसरी तरफ उसकी सर्वोच्च चोटी दिया है, उसी को मिलाकर हमें विकल्प में मिला देना है। तो आल्प्स पर्वत जो है मेरे भाई वो माउंट ब्लैंक के, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैंक है जो यूरोप में है। एंडीज पर्वत कहाँ है आपको मालूम है, नॉर्थ अमेरिका में। एकांगुआ इसका पर्वत चोटी है सबसे ऊँची, और एटलस, एल्ब्रूस और काकेकस, ये टाउब्लाक। तो यहाँ 92 का हमारा कौन सा यहाँ पर हमारा बन रहा है, यहाँ पर देखेंगे तो हमारा सी बन रहा है, सब सीधा सीधा 1 2 3 4 ये वाला, बहुत बढ़िया। 93 में हम लोग देखते हैं क्या है हमारा, देखें 93 में क्या कहा जा रहा है, कौन सा गिरिपथ पठार है। तो गिरिपथ पठार के बारे में आपसे पूछ रहा है साथियों, गिरिपथ पठार के बारे में, तो गिरिपथ पठार के बारे में कौन सा सही है उसे उत्तर देना है। तो आप लोग जब गिरिपथ पठार के बारे में पढ़ोगे साथियों, पर्वतों गिरिपथ पठार होता क्या है, तो जो पर्वतों के आधार पर स्थित पठार, जो पठार तो मतलब एक मेज के आकार की तरह होती है,
तो जो पर्वतों के आधार पर स्थित होती है, एक तरफ हो तो वह पर्वतों से घिरी हो, दूसरी तरफ सागर या मैदान से घिरा होता है, तो उसे हम लोग गिरिपथ पठार कहते हैं। तो गिरिपथ पठार कौन कौन से है इसमें, तो पिडमांड पठार और पैटागोनिया पठार, ये दोनों जो है ये गिरिपथ पठार हैं। ऑप्शन नंबर 2 और 3 केवल, 2 और 4 ये जो है पीपी, पिडमांड और पैटागोनिया, तो ये दोनों पी जो हैं ये गिरिपथ पठार हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा बन रहा है हमारा, बी, ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो जाएगा हमारा उत्तर, इसका बी। आगे चले हम लोग देखते हैं 94 में, तो इसमें साथियों क्या कह रहा है कि अरल सागर निम्नलिखित में से किन देशों की सीमा पर निर्धारित करता है। तो अरल सागर आप लोग देखेंगे मैप में कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर जो है ये अरल सागर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 94 का ये। 95 का साथियों बहुत बढ़िया, निम्नलिखित में से कौन सा हिमानी निर्मित स्थल रूप नहीं है। तो हिमानी निर्मित स्थल रूप नहीं है कौन सा, तो इसमें 4 नाम दिया है, ड्रमलिन, नुकाटक, भेड़शिला, लोएस। तो साथियों 95 का जो हमारा ये लोएस है ऑप्शन नंबर डी, ये हिमानी निर्मित गति ये जो है निर्मित स्थल नहीं है। तो लोएस जो है मरुस्थली क्षेत्रों के बाहर पवन द्वारा उड़ाकर लाए गए महीन बालू कणों से एक निक्षेप होता है, जैसे जो सूखा मरुस्थली क्षेत्र होता है वहाँ हवाएं चलती हैं, धूल ज़्यादा होता है, तो वहाँ से उड़ाकर जो है लाया गया जो है एक धूल इकट्ठा जमा हो जाती है, तो एक विशेष स्थल बन जाते हैं, मतलब एक डिज़ाइन, उसी को जो है लोएस बोला जाता है। तो यहाँ ये लोएस जो है हिमानी निर्मित नहीं है और यह तीनों हिमानी निर्मित स्थल है यानी हिम से। आगे देखें हम लोग 96 में, 96 में क्या है साथियों, पछुआ पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पछुआ पवने हमें मालूम है साथियों, मोटा मोटा हमें याद कर ले, यह पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन रियल में यह दक्षिण पश्चिम से नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती हैं, ऐसे जैसे ये हो गया ना, तो ऐसे बहती हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो पछुआ पवनों के संदर्भ में हमें कुछ कथन दिया है, इन्हीं कथनों को पढ़कर हमें सही उत्तर देना है। तो पहला कथन कह रहा है यह उपोष्ण उच्च वायुदाब से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है, यस ये तो सही है, ये तो बिल्कुल सही बात है इसमें। और दूसरा कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में यह पौने दक्षिण पश्चिम से दिशा में उत्तर पूर्व की दिशा में बहती हैं, तो मैंने पहले बताया उत्तरी गोलार्ध में यह दक्षिण पश्चिम से नॉर्थ ईस्ट में बहती हैं, ये दूसरा कथन भी सही है। ये क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में अधिक नियमित एवं प्रबल होती हैं, तो यस ये दक्षिणी गोलार्ध में और ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं यह पछुआ पवने, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। यहाँ पर देख लीजिएगा पेन हमारी यहाँ पर दिखाई दे रही होगी, तो उत्तर इसका क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी, 3 के 3 सही है। 97 में विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है। तो विक्टोरिया जलप्रपात साथियों आपको मालूम होगा दक्षिण अफ्रीका का, आप लोग मैप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप में जो दक्षिण अफ्रीका है उसके थोड़ा सा ऊपर जाम्बेजी देश है, तो जाम्बेजी में विक्टोरिया जलप्रपात यहीं पर है। तो 97 का हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो विक्टोरिया ये जाम्बेजी नदी पर है, ये विक्टोरिया जाम्बेजी एक देश है, यहाँ पर एक नदी है जाम्बेजी, नदी भी जाम्बेजी है, तो वहीं इस नदी पर ही यह विक्टोरिया जलप्रपात है, याद रखिएगा आप लोग। तो आगे चले हम लोग 98 में, इसमें देखें क्या कह रहा है, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के संदर्भ में आपको कुछ कथन दिए गए हैं, वही कौन सा सही है उसी को बताना है, सही उत्तर को देना है। तो पहला आप पढ़ोगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, उष्णकटिबंधीय चक्रवात आपको मालूम है ये जैसे हमारा ये पृथ्वी हो गया, विषुवत रेखा हो गई, इसके 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ में पाए जाते हैं, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ में, तो यह गर्म होते हैं और ख़ास करके गर्मी के मौसम में ये आते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। इन चक्रवातों में केंद्र में वायुदाब अत्यधिक कम होता है, तो सही बात है।
चक्रवात के, अब मैंने अभी पहले बताया था जो चक्रवात आते हैं उसके केंद्र में लो प्रेशर होता है और इसके इधर जो है सर इसके सरफेस पे यानी बाहरी एरिया में हाई प्रेशर होता है। तो ये तो सही है हमारा। दूसरा क्या है, सागरों की अपेक्षा स्थलों पर इनकी गति तीव्र होती। नहीं मेरे भाई गलत है, ऐसा होगा तो तबाही आ जाएगा। सोचो बंगाल खाड़ी से उठा और जैसे जैसे सागर पहुंचा तेज होता चला गया तो बंगाल बिहार यूपी सब नष्ट हो जाएगा। तो जैसे जैसे स्थल पर आते हैं घर्षण के कारण इनकी गति कम होती जाती है, तीव्र नहीं। तो ये दो गलत हो गया। तो आप जहाँ जहाँ दो है आप काट दीजिए उसे, यहाँ दो है ये नहीं होगा डी वाला, यहाँ दो है ये नहीं होगा, यहाँ दो है ये नहीं होगा। तो सीधा सीधा इसका मतलब क्या हुआ, एक और तीन उत्तर सही है। ये वर्ष में एक निश्चित समय पर प्रकट होते हैं यानी ठंड में नहीं होते हैं, गर्मी में होते हैं क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इनके लिए गर्मी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं हम लोग 99। तो यहाँ पर देखो साथियों एक दिया है ओरंटो जल संधि, थोड़ा सा समय दीजिए आपको बता दें। कह रहा है कि ओरंटो जल संधि निम्नलिखित में से किन सागरों को जोड़ती है। तो पहले आप जान लीजिए जल संधि होती क्या है। संधि का मतलब जोड़ना, जल मतलब जल, यानी दो जली क्षेत्रों को जोड़ना। एक मान लीजिए जली क्षेत्र यहाँ है, एक यहाँ है, बीच में स्थल है। तो इसको स्थल को काट कर नहर जैसी संरचना बना के दोनों को जोड़ देंगे, ये जली क्षेत्र ये जली क्षेत्र जुड़ जाएंगे। तो इसी को ये जो आपने जोड़ा ये क्या कहलाएगी, जल संधि। एक जल संधि जो होती है दो जली क्षेत्रों को जोड़ देती है और दो जली क्षेत्रों को अलग करती है। देखिए इधर स्थल था और इधर भी स्थल था, स्थलों को अलग कर दिया यानी जली क्षेत्रों को जोड़ने, जब इस आपने इसे काट कर जोड़ दिया तो दो स्थल इधर अलग हो गए। तो याद रखिएगा जल संधि दो जली क्षेत्रों को जोड़ती है और साथ ही साथ दो स्थलीय क्षेत्रों को अलग करती है। तो ओरंटो जल संधि पूछा जा रहा है। तो ओरंटो जल संधि यह जो है किन सागरों को जोड़ती है 99 प्रश्न में। तो ऑप्शन नंबर यह जो है एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर, ऑप्शन नंबर डी, इन्हीं दोनों सागरों को ओरंटो जल संधि जोड़ती है। बहुत बढ़िया। आपको एक चीज़ और मालूम होगा, यहाँ पर जो काला सागर एवं मरमरा सागर है साथियों, काला सागर मरमरा सागर बास्फोरस जल संधि, बास्फोरस बी से बास्फोरस जल संधि ये इनको जोड़ती है। और ये जो मरमरा सागर एवं एजियन सागर है यह डनी लीज जल संधि, डनी डी से डनी लीज जल संधि इनको जोड़ती है। जावा सागर एवं सेलेबीज सागर इनको कौन जोड़ती है, ये मक्सार संधि, मक्सार जल संधि में से आता है। तो फिलहाल इसका उत्तर डी होगा, मैंने जानकारी के लिए आपको बता दिया उतना। तो सौवां में क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सी गर्त अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। तो कौन सी गर्त, गर्त अटलांटिक महासागर में, आपको मालूम होगा मेरियाना ट्रंच विश्व का सबसे गहरा जो है ट्रंच है, ये गर्त है वो, उसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे जानते होंगे। 11,000 से ज़्यादा ही उसकी गहराई है, 11,000 मीटर। तो ये तो मैंने वैसे बता दिया जो विश्व का सबसे गहरा ट्रेंच गर्त है। तो फिलहाल इसमें पूछा है गर्त अटलांटिक महासागर में अवस्थित है तो उसे बताइए, अटलांटिक महासागर में कौन सा गर्त अवस्थित है साथियों। तो प्यूर्टो रिको गर्त, प्यूर्टो रिको गर्त अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। आगे देखें हम लोग 101 में, ब्राज़ील में पाए जाने वाली स्थानांतरित कृषि को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो जो ब्राज़ील में, ब्राज़ील कहाँ है, ये दक्षिण अमेरिका का एक सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील, वहाँ पर स्थानांतरित कृषि को, स्थानांतरित कृषि जानते हैं आप लोग, जो जनजातियाँ होती है जाती हैं जंगल को साफ करती हैं, किसी वहाँ खेती करती है, वहाँ उर्वरता नष्ट हो जाती है तो फिर जाकर दूसरे जंगल में चले जाते हैं, वहाँ के साफ सब करते हैं, वहाँ खेती करते हैं, वहाँ नष्ट हो जाती है तीसरे में चले जाते हैं, यही होती है स्थानांतरित कृषि। तो अलग अलग देशों में अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग नाम होता है। तो ब्राज़ील में की जाने वाले स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी रोका, रोका नाम से जाना जाता है साथियों। और ये जो चेना है श्रीलंका में, श्रीलंका में जो स्थानांतरित कृषि की जाती है उसका नाम जो है चेना है। और यहाँ पर जो है इलाची है साथियों, एक यहाँ पर नाम है इलाची, इचाली है पढ़ने में थोड़ा गलत हो गया, इचाली। तो इचाली जो है वो ग्वाडलूप, ग्वाडलूप एक देश है जिसकी राजधानी जो है आप लोग देखेंगे
कि बेस्टेरे है तो वहाँ पर पाई जाती है, और ये कोनुको जो है ये कोनुको वेनेजुएला में एक कृषि की जाती है स्थानांतरित, वहाँ उसका नाम है। तो फिलहाल उत्तर डी होगा हमारा 101 का। तो हम लोग 102 में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा अपरदन के लिए सहायक है। तो मृदा अपरदन मतलब एक तरह से जान लीजिए मिट्टी का कटाव, जैसे हम लोग पानी को बहा रहे हैं तो मिट्टी को काट कर ले जा रहे हैं, तो वही मृदा अपरदन है। तो निर्वनीकरण, आप ज़्यादा से ज़्यादा वन काट दोगे, वनों का ह्रास होगा, तो वन मिट्टी को बांध कर रखते हैं, तो वन जब कट जाएंगे निर्वनीकरण कर दोगे तो मिट्टी कटेंगे, ये भी सहायक है मृदा अपरदन में। पशुचारण, पशु ने सारे घास फूस को चर गए, मिट्टी नंगी हो गई तो बारिश होगी तो मिट्टी कट जाएगी, ये भी उसका कारक है। स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि में जंगलों को काट फाट दोगे, मैदान बना दोगे तो भी मिट्टी कटेगी, ये भी है। अवैज्ञानिक खनन, जो खनन करते हो अवैज्ञानिक तरीके से, उससे भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 सभी सही उत्तर हैं मृदा अपरदन के लिए सहायक। आप आगे देखें 103। 103 में साथियों बहुत बढ़िया प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा मंदाकिनी व अलकनंदा का संगम स्थल है। तो साथियों बहुत बढ़िया प्रश्न, ये रुद्रप्रयाग, ऑप्शन नंबर सी उसका उत्तर होगा। एक ट्रिक होता है राम, आर से रुद्रप्रयाग, सॉरी मैंने राम को गलत लिख दिया, आर ए एम राम, इसका एक ट्रिक होता है रुद्रप्रयाग का। आर से हो गया रुद्रप्रयाग, ए से हो गया अलकनंदा, और एम से हो गया मंदाकिनी। तो रुद्रप्रयाग जो है मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम पर स्थित है। तो ये देवप्रयाग अगर आपसे पूछे तो इसका ट्रिक दाम लेना दाब, देश डी से देवप्रयाग, ए से अलकनंदा, बी से भागीरथी। विष्णु प्रयाग को कोई पूछे तो इसका उल्टा कर देना बी ए डी बैड, बी से विष्णु प्रयाग हो गया, ए से अलकनंदा, डी से धौली गंगा। तो ये कर्ण प्रयाग कोई पूछे तो कांप, तो के से कर्ण प्रयाग होगा, ए से अलकनंदा, पी से पिंडारी। तो ये सब ट्रिक होते हैं इसको याद करने के लिए, दिमाग में बैठाने के लिए ऐसे छोटे छोटे अक्षर। तो ऑप्शन नंबर पी फिलहाल मंदाकिनी अलकनंदा के संगम पर स्थित है। आगे देखें 104 में, तो इसमें क्या कह रहा है हमें। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थित प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र हैं। तो लौह अयस्क, ध्यान दीजिए लौह अयस्क कह रहा है, तो एक एक शब्दों पर नहीं ध्यान देंगे, प्रश्न सरल होता है लेकिन उसके कुछ शब्दों पर ध्यान नहीं दोगे यानी प्रश्नों को ठीक से नहीं पढ़ोगे तो नहीं दे पाओगे। तो यहाँ पर देखें डल्ली राजहरा, तो ये जो डल्ली राजहरा है साथियों ये भी जो है लौह अयस्क खनन है, ये ओडिशा में है, ये छत्तीसगढ़ में, सॉरी ये जो है छत्तीसगढ़ में है, डल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ में है। और ये कुद्रेमुख भी लौह अयस्क खनन है, बादाम पहाड़ी भी लौह अयस्क खनन क्षेत्र है। ये जो मोसाबानी है, यह मोसाबानी कहाँ है, यह झारखंड में है, यह तांबा का खनन क्षेत्र है, तांबा का, लोहा का नहीं, हमें लौह का पूछा है। तो चार जिसमें होगा वो गलत हो जाएगा, इसमें चार है, इसमें चार है, तो ये दोनों पहले कट गए। तो कौन कौन सा उत्तर होगा, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी हमारा यही उत्तर होगा। तो हमारा हो गया उत्तर 104 का जो है ऑप्शन नंबर सी हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग चलते हैं देखते हैं आगे। और यहाँ पर ये जो कुद्रेमुख है साथियों, यहाँ ये कुद्रेमुख कहाँ है, कर्नाटक में है, ये याद रखना। और बादाम पहाड़ी कहाँ है, तो बादाम पहाड़ी जानते हो ओडिशा में है ये बादाम पहाड़ी। आगे चले हम लोग 105 में, कयाल अस्थाकृति एक स्थल का आकृति है जिसका नाम है कयाल। निम्नलिखित में से किस तट की विशेषता है। तो कोरोमंडल, कोंकण, मालाबार, उत्तरी सरकार तट किसकी है। तो 105 में हमसे ये पूछा जा रहा है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी मालाबार तट जो है, कयाल अस्थाकृति जो है स्थलाकृति, ये जो मालाबार तट की विशेषता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया मालाबार तट। आगे हम लोग अब देखें अगर 106वें में, 106वें में क्या कह रहा है। पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के संदर्भ में कुछ कथन दिया है, इन्हीं कथनों में से कौन सा सही है उसका उत्तर देना है। तो
इसमें पहला प्रश्न, पहला कथन ये कह रहा है ये भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं, पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं, तो यस सही बात है। दूसरा कह रहा है पश्चिमी जेट प्रवाह इनके भारत में प्रवेश में सहायक है, ये भी सही है। रात्रि के तापमान में वृद्धि इनके आगमन का पूर्व सूचक होता है, रात में अगर तापमान बढ़ते तो इनके आने का सूचक होता, ये भी सही है पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा डी उत्तर सही होगा, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। देखें इतना सारा लिखा है और पूछ रहा है कि ये सूचनाएं किसके बारे में दी गई हैं, चार यहाँ यहाँ लिखा है स्थानीय हवाओं के नाम है चार, और उनमें से एक के बारे में यहाँ सूचनाएं लिखी गई है, उन्हीं सूचनाओं को पढ़कर आप उसको उत्तर दे देना, बहुत सरल है, सिर्फ आपको धमकाने के लिए इतना लिखा है। कह रहा है कि यह गर्म शुष्क और धूल भरी स्थानीय पवन है जो सहारा रेगिस्तान के उत्तर दिशा में, याद रखिएगा उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है, यह भूमध्य सागर को पार करने के बाद इटली स्पेन को भी प्रभावित करती है, इसे मिस्र एवं मिस्र में खमसीन, लीबिया में ये गिबली, ट्यूनीशिया में चिली के नाम से जाना जाता है, इससे होने वाली वर्षा को रक्त वर्षा कहा जाता है। यस मेरे भाई, इसे सिराको, ऑप्शन नंबर सी। तो निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवन को संदर्भित करती है, सिराको को, सिराको मेरे भाई, यह जो है सहारा रेगिस्तान के उत्तर दिशा में प्रवाहित होती है और यह जब चलती है और जहाँ वर्षा कराती है, क्योंकि धूल उड़ा कर ले जाती है, रेगिस्तानी धूल, और आसमान में धूल रहती है, जब वर्षा होती है तो धूल के साथ पानी मिल जाता है तो पानी हल्का लालपन हो जाता है, जिसके कारण इसे रक्त वर्षा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगर यही उत्तरी नहीं, यही अगर पूर्वी कहा होता तब हर मट्टन हो जाता, तो ये भी है, तो यहाँ याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। 108 में देखें क्या कह रहा है, बहुत बढ़िया, एक कथन दिया है एक कारण दिया है, कथन को पढ़कर कारण को पढ़कर आप सही उत्तर दे देना है। तो नदियों के मुहाने के पास प्रवाल कम पाए जाते हैं, तो नदियों के मुहाने के पास प्रवाल कम पाए जाते हैं, यस मेरे साथियों, क्योंकि प्रवाल मुहाने पर कम पाए जाते हैं, क्योंकि मुहानों पर उसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, मुहानों के थोड़ा सा आगे, मुहाना मतलब क्या होता है, नदियाँ जब सागर से मिलती हैं जहाँ, तो वहाँ उस क्षेत्र को मुहाना बोला जाता है, तो मुहानों पर तरंगे जो है समुद्री तरंगे नहीं आती हैं, समुद्री तरंगे जो होती हैं प्रवालों के लिए भोजन लेकर आती हैं, तो इसलिए मुहाना पर कम पाया जाता है, तो ये बात तो सही है। कारण, पूर्ण स्वच्छ जल के लिए हानिकारक होता है, जो पूर्ण स्वच्छ जल होता है इनके लिए, क्योंकि प्रवालों के लिए न तो पूरा खारा जल पूरी तरह से होना चाहिए, न तो पूरी तरह से स्वच्छ जल होना चाहिए, दोनों का मिक्सिंग होना चाहिए, तो ये सही है दोनों का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये कारण भी इसका बता सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए 108 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यही उत्तर होगा। आगे बढ़ें, देखें 109 में क्या कह रहा है, मैचिंग वाला सवाल है, बढ़िया। चक्रवात एक तरफ दिया है, एक तरफ उनका लोकेशन दिया है, अवस्थिति, ये सवाल कई बार पूछा गया, इसको जितना इम्पोर्टेंट लगाना होगा लगा लीजिए। विली विली ऑस्ट्रेलिया में, टैफू जापान में, हरिकेन, हरिकेन कहाँ पाया जाता है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो हरिकेन जो है साथियों ये तो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, यहाँ गलत लिख दिया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। टाइफून भी, टाइफून तो पाया जाता है इधर चीन साइड में, तो ये भी नहीं होगा, तो केवल 1, 2 सही होगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आगे चले हम लोग, 109 हो गया, 110 में, 110 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं डेल्टा निर्माण के लिए आवश्यक हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों, ऐसी कौन सी दशा है जो डेल्टा को बनाने में सहायक करती है। तो डेल्टा को बनाने में साथियों ये जान लीजिए, नदियां जब अपना जल गिराने जाती हैं समुद्र में, सागर में, तो अपने साथ जो मलबा लिए रहती हैं, मलबा वहाँ पर थोड़ा सा जमने लगता है, एक संरचना बन जाती है, उसी को डेल्टा कहा जाता है। और वो मलबा जो है थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, छोटे मलबे रहते तो बह जाते हैं फ्लो में। तो अवसाद में महीन एवं बारीक कणों की अधिकता, तो कह रहा है कौन सी आवश्यक है। तो ये अवसाद महीन एवं कणों की आवश्यकता होनी चाहिए,
तो नहीं मेरे भाई, महीने वो बारीक होगा तो बह जाएगा, तब डेल्टा नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा बड़ा कड़ होना चाहिए। तो ये गलत हो गया हमारा। दूसरा कह रहा है मुहाने के निकट नदी का तीव्र वेग। मेरे भाई नदी का तीव्र वेग रहेगा मुहाने पर तो डेल्टा कैसे बनेगा, सारा जो मलबा रहेगा वो तो बह जाएगा ना, तो ज़्यादा तीव्र नहीं रहना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ना तो एक ना तो दो, कोई भी सही नहीं है। तो डेल्टा बनने के लिए ढलान कम होना चाहिए जिससे उसका मलबा रुका रहे ना, नहीं तो बह जाएगा सब। 11 में क्या है मेरे भाई, बढ़िया प्रश्न। पोंग बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है मेरे भाई? चार नदियों के यहाँ आपको नाम दिए गए हैं, तो पोंग बांध ब्यास नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो गया, 1975 में, 1975 में ब्यास नदी पर बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश में है ये। पोंग बांध कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आगे चले हम लोग, देखते हैं हमारा उत्तर ये बी हो गया। तो इसे पोंग बांध को महाराणा प्रताप सागर बांध भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसका दो नाम है, याद आ गया, महाराणा प्रताप सागर बांध। आगे देखें 12वां में, 112, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप में प्रायद्वीपी पठार की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपी पठार साथियों यानी ये दक्षिण भारत की बात कर रहा है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो यहाँ पर गोदावरी है, ऑप्शन नंबर डी। गोदावरी को आप लोग जानते हैं, दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत यानी प्रायद्वीपी पठार की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन नंबर डी। 113, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर भारत का सबसे बड़ा मुहाना स्थित है? तो किस मुहाने पर, मुहाना आप लोग को मालूम हो गया, नदी जैसे बह रही है सागर या समुद्र में जहाँ मिलने जाती है और जहाँ इसका अपना पानी गिराती है उसे मुहाना कहते हैं। तो मुहाने पर भारत का सबसे बड़ा मुहाना स्थित है, तो हुगली नदी पर। हुगली नदी आप लोग को मालूम है, यह जो है गंगा की एक सहायक नदी है हुगली नदी, तो इसके पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में गंगा की सहायक नदी है, तो हुगली नदी का मुहाना सबसे बड़ा है भारत में, ऑप्शन नंबर डी सत्य है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114, 114 में क्या पूछा जा रहा है साथियों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर ऐसा कौन सी नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, उसका नाम बताना है। तो मेरे भाई आप लोगों को मालूम है, जैसे ये भारत हो गया, जो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती हैं वो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, जो पूर्व की ओर बहती हैं बंगाल खाड़ी में ज़्यादातर नदियाँ अपना जल गिराती हैं। तो वो पूछ रहा है पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम बहने वाली नदियाँ यानी अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी शरावती, ऑप्शन नंबर सी 14 का उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़े हम लोग, 15 में देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न होती है और भारत में ही विलीन हो जाती है? तो मेरे भाई आपको मालूम है ब्रह्मपुत्र तो भारत में होती नहीं है, या हिमालय पार से आती है, तिब्बत के पठार वगैरह चाइना साइड से, तो ब्रह्मपुत्र तो नहीं होगा, मतलब वो भारत में ही उत्पन्न हुई हो, भारत में ही वो ख़त्म हो गई हो, ये पूछा जा रहा है। ब्रह्मपुत्र तो है नहीं, कोसी तो है नहीं, सिंधु तो है नहीं, ऑप्शन नंबर बी चंबल, जो यमुना की सहायक नदी है, एमपी साइड से यह उत्पन्न होती है। आगे चले हम लोग 116 में, देखें क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का बड़ा भूरा समुद्री शैवाल है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी में उगता है? तो उसका नाम बताना है, जो ये सूचनाएं आपको दिया गया है, इन चारों में से कौन है? केल्प, अल्पना, अल्पाइन, मूंगा, समुद्री घास, तो इसमें से कौन है साथियों? तो केल्प, ऑप्शन नंबर ए होगा। केल्प एक बड़े भूरे प्रकार की समुद्री शैवाल है जो दुनिया भर के तटीय क्षेत्रों के पास उथले पोषक तत्वों से भरपूर खारे पानी मिलता है, जो हमें यहाँ सूचनाएँ भी दिया है। 117 में, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न से बना है जिससे पृथ्वी की पपड़ी पर बड़ी सतह जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है? तो वो कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों से संपीड़ित बना है, जो सूचनाएं हमें दी गई हैं यहाँ, तो रूस में यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के बारे में आप जानते हैं, रूस और यूरोप के मध्य सीमा निर्धारण करती है, सीमा पर है ये, ऑप्शन नंबर ए।
यहाँ देखें, गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? गंगा का मैदान, तुम्हें मालूम है उत्तर भारत का जो मैदान है तो वो गंगा का मैदान के बारे में पूछ रहा है, तो किन दो नदियों के मध्य है? तो घग्घर और तिस्सा नदियों के मध्य, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 118 का हमारा प्रश्न डी हो जाएगा। तो गंगा का मैदान घग्घर और तिस्सा नदियों के बीच फैला हुआ है। गंगा का उत्तर में, जो मैंने पहले बताया, गंगा का जो मैदान है उत्तर भारत का सबसे बड़ा मैदान है। आगे देखें हम लोग 19 में, यहाँ पर कह रहा है साथियों, दक्कन के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? तो यहाँ पर दक्कन के पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी विकसित होती है? तो साथियों, यह लाल मिट्टी विकसित होती है, ऑप्शन नंबर डी। लाल मिट्टी कड़ी होती है, यहाँ खेती करना आसान नहीं होता है। आगे देखें हम लोग 120 में, निम्नलिखित में से केन नदी मध्य भारत के किस राज्य से होकर बहती है? तो केन नदी मेरे भाई यूपी और एमपी में बहती है, तो यहाँ पर एमपी है नहीं, तो हम लोग उत्तर प्रदेश लगा देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो 121 देखें क्या है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय वैश्विक महासागर का केवल 4.3% बनाता है? तो कौन सा जल निकाय, वो सबसे छोटा होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर विश्व के जल निकाय का 4.3% बनाता है। यहाँ 22वां देखते हैं हम लोग, अगर यहाँ क्या है, काली मिट्टी के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई है, कौन सा वो सही नहीं है? तो काली मिट्टी के बारे में आप लोग जानते हैं, इसे रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, इसमें कपास की अच्छी खेती इसे होती है, इसलिए कपासी मृदा भी कहा जाता है इसे। तो ये क्या होती है, यहाँ पर यह डेक्कन ट्राइब में पाया जाता है, दक्कन वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, यस सही है, लेकिन हमें गलत बताना है। गर्म मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं जिसके कारण इसे स्वतः जुताई वाली भी मिट्टी कहा जाता है, यस सही है। इनमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, मेरे भाई गलत, इसमें फास्फोरस नहीं पाया जाता है, काली मिट्टी में कैल्शियम, पोटास, मैग्नीशियम ये सब पाया जाता है, फास्फोरस नहीं पाया जाता है, तो यही सी हमारा गलत होगा। 23 चले हम लोग, अब 23वें देखते हैं क्या है, काला सागर निम्नलिखित में से किस महासागर संबंधित है? तो काला सागर मेरे भाई आप लोग देखेंगे तो रूस, यूक्रेन ये सब उससे संबंधित हैं, तो ये अटलांटिक, ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर से संबंधित है। 23वां का हमारा प्रश्न नंबर एक हो जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा अटलांटिक महासागर से कितने देश घिरे हुए हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, आप लोग देख लीजिएगा। 24, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत धौली गंगा नदी के पास स्थित है? तो धौली गंगा नदी के पास स्थित कौन सा पर्वत है इसे हमें बताना है। तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ये जो नंदा देवी है, नंदा देवी के पास, नंदा देवी जो पर्वत धौली गंगा नदी के पास स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर। 25 में देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? तो नेपाल की सबसे लंबी नदी साथियों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी नारायणी नदी होती है। 25वें का ये, सॉरी नारायणी नहीं, कर्णाली, कर्णाली नदी नेपाल की सबसे बड़ी लंबी नदी होती है, जिसे कर्णाली भी कहा जाता है नेपाली भाषा में, कर्णाली, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखें 26 में, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राक्षस ताल झील से निकलती है? राक्षस ताल झील से कौन सी नदी निकलती है? तो सतलज नदी, ऑप्शन नंबर सी होती है। सतलज नदी के बारे में जानते हैं, जो सिंधु नदी है उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यही सतलज नदी ही है, ये पूछा जाता है प्रश्न। 127 में देखें हम लोग, सियांग, तिराप और कामेंग निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो इसके नाम से ही लग रहा है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदियां हैं, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128, बहुत बढ़िया प्रश्न मिलाने वाला है, बहुत सारी आपको सूचनाएं मिलेंगी इससे, नदियां एक तरफ है और दूसरी तरफ उनकी सहायक नदियां, तो जो आपको सबसे ज़्यादा क्लियर हो उसी को मिला दीजिए सबसे पहले। तो इंद्रावती जो है गोदावरी नदी की सहायक नदी है, और ये
यहाँ पर ये चंबल जो है यमुना नदी की सहायक नदी है, ये हमने मिला दिया। और ये जो कृष्णा है ये भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर ए सेट हो रहा है, ये उत्तर होगा 28 का। आगे देखें, अब बाकी एक जो बचा है मिला ही लेना, ब्रह्मपुत्र तिस्सा का। 29 में क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट के साथ होती है? तो मेरे भाई संवहनी वर्षा, ऑप्शन नंबर ए। संवहनी वर्षा क्या होती है, जब पृथ्वी का ये सरफेस जो है गर्म हो जाता है तो हवाएं ऊपर उठती हैं, हवाएं ऊपर एक धारा के रूप में जाने लगती हैं और जाकर ये वहाँ पर जो है जो ऊपर की आर्द्रता की वो जो है अनुकूल बनाती हैं, जिसके कारण वर्षा हो जाती है। और चक्रवाती वर्षा चक्रवात के कारण होती है, ये तो मालूम है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा। 130 में, निम्नलिखित में से कौन सी झील महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है? तो महानदी डेल्टा जो है साथियों ये उड़ीसा में है, तो उड़ीसा के दक्षिण में, यही पूछ रहा है ना, कौन सी झील महानदी डेल्टा के दक्षिण में है। तो महानदी जब उड़ीसा में होगा तो उड़ीसा में ही एक झील है चिल्का झील, तो इसी डेल्टा के दक्षिण में है चिल्का झील। चिल्का झील तो जो भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। 31 में क्या है, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो आपको मालूम होना चाहिए साथियों, भारतीय मानक समय देशांतर रेखा जो है वो 82.5 डिग्री से होकर गुजरती है, और भारत के 5 राज्यों से यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश एपी। तो यहाँ पर साथियों महाराष्ट्र नहीं आया, तो ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। आगे चले हम लोग, भारत की गंडक नदी नेपाल में किस नाम से जानी जाती है? तो गंडक नदी ये जो है नेपाल में नारायणी नदी के नाम से जानी जाती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ये 32 का हमारा। तो आगे चले हम लोग, 33 में, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी से छोटा है? तो पृथ्वी से छोटा है कौन सा, तो छोटा तो पृथ्वी से बुध भी है, बुध तो है नहीं, शुक्र। शुक्र पृथ्वी से आकार में छोटा है, बाकी ये तीनों पृथ्वी से बड़े हैं। शुक्र को सांझ का तारा कहा जाता है क्योंकि ये सांझ के समय दिखाई देता है। भोर का तारा भी कहा जाता है क्योंकि ये भोर में भी दिखाई देता है पूरब के साइड में। और इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के लगभग समान आकार की है, थोड़ी सी छोटी है केवल। तो ऑप्शन नंबर ए, ये पृथ्वी से छोटा है शुक्र ग्रह। आगे देखें हम लोग, 34 में, निम्नलिखित में से कौन सी नवीनतम पर्वत श्रृंखला है? नवीनतम पर्वत श्रृंखला से मेरे भाई जो पर्वत की बात आती है तो हिमालय की बात आती है, हिमालय सबसे नवीन पर्वत है। तो हिमालय का ही एक भाग है ये जो है शिवालिक, तो शिवालिक ये भी सबसे नवीन होगा क्योंकि उसी का भाग है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर। 35 में देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ट्रांस हिमालयन नदी है? ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय उस पार, हिमालय के पार की नदी है। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, झेलम तो है नहीं, सतलज हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सतलज, हिमालय उस पार, हिमालय ट्रांस हिमालय की नदी है। ये क्वेश्चन UPPCS 2020 में भी पूछा गया था ये। आगे देखें हम लोग, 35-36 में क्या है, देखें बढ़िया प्रश्न है 36 में, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा जो होती है उसका मुख्य कारण है? तो साथियों आप जान लीजिए, ये सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं यह अम्लीय वर्षा के जो है उत्तरदायी होते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फर का ऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो तमाम मोटर गाड़ी इत्यादि के पोल्यूशन से जो फैलता है वायुमंडल में जाकर ये रुका रहता है, तो हवाएं जब जो बारिश होती है तो बारिश का पानी इनमें घुल जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड में घुल कर, तो जो है ये एसिड रिएक्शन करके एसिड बना लेता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो आकर जो है धरा पर वही गिरता है तो तमाम इमारतों वगैरह को नुकसान पहुँचाता है। तो कार्बन के सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यानी यहाँ तो नाइट्रोजन का नहीं दिया है, सल्फर का दिया है, तो सल्फर डाइऑक्साइड ये अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है।
आगे देखें हम लोग 37 में, निम्नलिखित में से माड़ मिट्टी उत्तर प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? तो मेरे भाई माड़ मिट्टी ये जो है उत्तर प्रदेश का जो MP से सीमा लगा हुआ है, MP साइड यानी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्सा, वहाँ पाई जाती है माड़ मिट्टी। आगे देखें 38 में, निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है? तो मेरे भाई अभी ये 17 जून जो बीता है हाल ही में, तो आप लोग को देखा होगा चर्चा में आया था 17 जून को विश्व मरुस्थली और सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। 39, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो मेरे भाई याद रखिएगा, कई बार ये पूछा गया है, भारत में पारिस्थितिकी के जनक जो है रामदेव मिश्रा माने जाते हैं, रामदेव बाबा नहीं, रामदेव मिश्रा। आगे देखें हम लोग 40 में, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, ऑप्शन नंबर सी। देखें 141 में क्या है, मैंग्रोव पारितंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखिए कौन सा कथन सही नहीं है, तो सफ़ेद मैंग्रोव स्वभारती के सर्वाधिक लवणता सहिष्णु होते हैं, यानी सर्वाधिक लवणता को सहने वाले होते हैं, ये बात सही है, बिल्कुल सही। दूसरा कह रहा है ये दुनिया भर में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, यानी गर्म और हल्का ठंड क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, ये भी सही है, लेकिन हमसे पूछा है कौन सा सही नहीं है, तो मेरे भाई दोनों सही हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, न तो एक न तो दो। 42 में देखते हैं क्या कह रहा है, तो बिसुवती वन बायोम के संदर्भ में कुछ कथन दिया है और कौन सा सही है वही बताना है हमें सही उत्तर देकर। तो यह बायोम का नेट प्राथमिक उत्पादन सर्वाधिक होता है, बिसुवती है, सही बात है भाई, ये जो बिसुवत रेखा वाला क्षेत्र होता है यहाँ वर्षा तापमान बहुत हाई फाई होता है यहाँ, तो इसलिए यहाँ बायोम प्राथमिक उत्पादन ज़्यादा होती है, सही बात है। बायोम के प्राणी शीतकाल में प्रवास करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ शीतकाल होता ही नहीं, ये गलत हो जाए क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ टेम्परेचर होता है, तो यहाँ विषुवत रेखा पर ठंड का सवाल ही नहीं है, तो दो गलत हो जाएगा, जहाँ जहाँ दो है गलत, ये दो गलत, ये गलत, ये गलत, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा, 142 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तर। चले हम लोग ये भी सही है, एक और तीन केवल सही हैं। 143 में देखते हैं क्या है, हाल ही में खबरों में रहे निम्नलिखित में से भौगोलिक क्षेत्रों में उनकी अवस्थिति के आधार पर पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करें, तो पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करना है साथियों, पूर्व से कहाँ हमें लिखा है, पूर्व से पश्चिम में, ईस्ट टू वेस्ट, सॉरी 43 में पूछ रहा है ना, तो हमें इसे ईस्ट से वेस्ट ले जाना है, तो यही हमें सेट करना है। तो दक्षिण चीन सागर आपको मालूम होगा सबसे ज़्यादा ये पूर्व में है, तो ये पहले आना चाहिए ये दक्षिण चीन सागर, तो 143 में हमारा ये जो है ये बी हो जाएगा यहाँ पर, ये तो पहले बी में, चार कहाँ पहले है, बी में और सी में, यानी मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि दक्षिण चीन सागर सबसे पूरब में है तो सबसे पहले आना चाहिए, इस हिसाब से हमने पता लगा लिया, या तो बी उत्तर होगा या तो सी। उसके बाद जो है हमारा देखें कौन सा है, यहाँ पर थाईलैंड आता है, आप लोग फिर थोड़ा सा पश्चिम की तरफ जाओगे तो थाईलैंड मिलेगा, फिर थोड़ा सा और जाओगे आदन की खाड़ी, फिर जाओगे तब लक्षद्वीप मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। 44 में क्या पूछा जा रहा है साथियों, बहुत बढ़िया सवाल ये है, ये कह रहा है कि कौन सा सतत विकास लक्ष्य यानी SDG महासागरों समुद्रों और समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग करने की बात करता है? तो साथियों कुल 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, आप लोग याद करने का एक बहुत बढ़िया ट्रिक होता है, जैसे पहले में क्या कह रहा है, गरीबी को ख़त्म करना, गरीबी ख़त्म हो जाएगी तो भूखमरी ख़त्म हो जाएगी, यानी दूसरा भूखमरी संबंधित है, भूखमरी ख़त्म हो जाएगी तो स्वास्थ्य सबका बढ़िया आ जाएगा, यानी तीसरा स्वास्थ्य संबंधित है, और जब स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा तो लोग पढ़ाई करेंगे, यानी चौथा अच्छी एजुकेशन से है। तो इस हिसाब से आप पूरे 17 सतत विकास लक्ष्यों को याद करिएगा, याद हो जाएगा आपको इस कंसेप्ट के माध्यम से। तो कह रहा है जो 14वां SDG जो 14वां है वो समुद्रों के भीतर जीवों से संबंधित है, उनके तो समुद्र को भीतर जीवों से संबंधित है 14 वाला।
और 15वां स्थल यानी स्थल पर जो जीव हैं उसके संबंधित है, और 16वां शांति से संबंधित है, और 17वां सहयोग से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा उत्तर। 45 क्या है, पृथ्वी का गुर्दा कहा जाता है आर्द्रभूमियों को क्यों? तो मेरे भाई जैसे हमारा गुर्दा होता है वह पानी को छानता है, शुद्ध करता है उसे, उसी प्रकार जो है ये आर्द्रभूमियों को पृथ्वी का गुर्दा कहा जाता है क्योंकि यह जली पादप भारी धातुओं पोषकों के आधिक्य को अवशोषित कर लेते हैं, इसीलिए आर्द्रभूमियों को पृथ्वी का गुर्दा कहा जाता है। 45 हो गया। 46 हम लोग चलते हैं, विश्व जलवायु परिवर्तन कार्रवाई समिट 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? विश्व जलवायु परिवर्तन कार्रवाई तो इसका दुबई में किया गया था 30 नवंबर 2023 को, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखें 47 में, भारत ने किस वर्ष तक कम से कम 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो गैर जीवाश्म मतलब इसको ईंधन जलाकर नहीं, बिना ईंधन वाले यानी सौर ऊर्जा या जो है हवा से जो किया जाता है उससे, यानी गैर जीवाश्म से प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 500 गीगावाट तो किस वर्ष तक ये लक्ष्य है, इस लक्ष्य को बताना है हमें। तो मेरे भाई ये ऑप्शन नंबर ये जो 2030 है, ये 2030 तक 500 गीगावाट तक गैर जीवाश्म ईंधन को लक्ष्य रखा गया है। 148 में क्या कह रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं तकनीक विश्वविद्यालय, ये कृषि विश्वविद्यालय है, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं तकनीक विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये है कानपुर में, ऑप्शन नंबर डी। 149, प्रतिशत के आधार पर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? मेरे भाई बहुत बढ़िया प्रश्न यूपी स्पेशल का, तो ये सोनभद्र में, ऑप्शन नंबर बी, प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा यहाँ पाई जाती है और सबसे कम बागपत में पाई जाती है, याद रखिएगा दोनों। आगे चलें हम लोग 150 में, लास्ट प्रश्न है हमारा यूपी स्पेशल से। तो देखें हम लोग यहाँ पर, हम लोगों को सूची एक में दिया है यहाँ पर संस्थान और दूसरा उसका अवस्थित लोकेशन। पहला पढ़ेंगे तो भारतीय मृदा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में है। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है। भारतीय मौसम वेधशाला पुणे में है। और एक लास्ट बचा है तो ये तो यही होगा, प्राकृतिक इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में, यानी सब एक के बाद एक सीधा सीधा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा उत्तर। बहुत बढ़िया साथियों, तो साथियों हम लोगों ने बहुत अच्छे से इस आज के अपने इस पार्ट टू में जो है पूरे जो है 75 क्वेश्चन जो थे 76 से लेके 150 तक, इसको अच्छे से देख लिया। और इसके पहले वाले में हम लोगों ने 1 से लेके 75 तक देखा था, तो आप लोग दोनों पार्ट के वीडियो को देख लीजिएगा अच्छे से। शुद्ध रूप से 150 प्रश्न थे जियोग्राफी का, बहुत बढ़िया, और हमारी मेहनत आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हो तो। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।